हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो यस सो सॉरी पर है और आज का वीडियो सो सॉरी का टाइटल है मेड इन इंडिया। तो है ना सुंदर टाइटल। मुझे इसीलिए जो सो सॉरी हैं इनके सारे जो भी वीडियोस है बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल मैसेज होता है हर में। हमने एक किया था जिसमें उन्होंने इकोनॉमी के बारे में बताया था और उन्होंने वही बोला था वोकल हो जाओ लोकल के लिए, और अब एक और बनाया है मेड इन इंडिया। तो बहुत अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं जिससे लोग अगर फॉलो करें तो अपनी कंट्री जो है काफी आगे बढ़ सकती है। तो यस फ्रेंड्स, याद रखना है मेड इन इंडिया और ओनली मेड इन इंडिया। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की वेट करनी, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें फ्यूचर में उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और यस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, ये जो ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे हैं, आपका मन करे कि यस हमें फॉलो करना चाहिए और मैं ये फॉलो करूंगा, तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले और वो भी ये मैसेज को अपनी लाइफ में यूज करें। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। सो सॉरी। मेड इन इंडिया का सिंबल है। पानी गया, अब नहीं निकालेगा। फ्रेंड्स, क्या कमाल के स्टाइल से मैसेज दिया है और इतना सुंदर मैसेज इतने अच्छे ढंग से कि वहां से हमें तो पता है कि ड्रैगन चाइना का रिप्रेजेंटेशन है तो वो ड्रैगन कितना वो दिखाया आ रहा है और यहां से हमारे मोदी जी आ रहे हैं हाथी पे। पर सबसे मजेदार है, ध्यान रखना मास्क पहना हुआ था तो अभी तक जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगी, मुझे लगता है हर वीडियो में जब भी मोदी जाएंगे उनको मास्क पहना के दिखाएंगे क्योंकि वो भी मैसेज दे रहे हैं कि अभी भी मास्क पहनना है, कोरोना है। तो अपने हाथी पे बैठ के आ रहे हैं और सारा अपना जैसे हमारे ट्रेडिशनल राजाओं का होता था वैसे ही शील्ड तलवार के साथ आ रहे हैं और फाइट करने के लिए। और सबसे मजेदार था जब उन्होंने दिखाया कि उस फाइटिंग के में कि वहां से वो ड्रैगन ने वो भेजे जिसमें ब्रिक्स टाइप थी तो वो सारे एप्स और मेरे ख्याल से कंपनीज के नाम थे जो करेक्ट प्रोडक्ट्स थे। तो वो उन्होंने दिखाया कि वो फायर कर रहे हैं इंडिया के पे और मोदी जी उसको प्रोटेक्ट करके उनको वहां से अंदर आने नहीं दे रहे। तो वही हमें इनडायरेक्टली क्या बताया जा रहा है, अपने इंडिया की चीजें यूज करो। और फिर सबसे सुंदर बात थी कि जो मेड इन इंडिया का सिंबल है जो उन्होंने लायन बनाया हुआ है वो आता है पूरी वो गियर्स और उससे सारे बने हुए से आता है और फिर वो फाइट करता है और इतनी अच्छी दिखाया है जो मतलब कमाल का वे दिखाने का कि मैसेज दे रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से। और फिर जब वो स्काई में उन्होंने दिखाया कि फाइटिंग शुरू हो रही है, तो मुझे लगा दिखाएंगे अब, उसी टाइम काट दिया। पता है क्यों? नहीं पता, बताऊं? क्योंकि ये एंडिंग ये बात थी कि अब आगे क्या होगा वो किसके हाथ में है? हम लोगों के हाथ में, हम इंडियंस के हाथ में, कि क्या हम अपने इस शेयर को जिताएंगे कि नहीं। और हम कैसे जिताएंगे? खाली मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज करके। अगर हम सब वो फॉलो करें कि हमने सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया यूज करना है, तो वो जो शेर अभी लड़ रहा है ना, वो जीतेगा। पर अगर हम में से किसी एक ने इसको फॉलो नहीं किया, तो हमारी वजह से, बिल्कुल फ्रेंड्स, हमारी वजह से वो शेर हार जाएगा। तो सोचने की बात है, और उस सोच के बाद अमल करने की बात है। तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो था। मतलब काफ़ी टाइम बाद मैंने देखा है। वैसे नॉर्मली इनके कार्टून थे कोरोना वायरस के, मगर ये वीडियो बहुत डीपर था। इसमें अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और पहले भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और सभी को पता है कि जब आपको उससे कॉन्फ्लिक्ट हो जिस कंट्री में जो इकोनॉमिकली आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, पॉपुलेशन आपसे ज़्यादा है, रिसोर्सेज आपसे ज़्यादा हैं, तो जो है डिफ़िकल्टी तभी आती है। और नॉर्मली इसी डिफ़िकल्टी से ग्रो करती है कंट्री। अब जो है बहुत अच्छा मैसेज दिया था कि उनका मिथिकल क्रीचर ड्रैगन सिंबल है, इंडिया का एलिफेंट है सिंबल, क्योंकि हमारे सदियों से बड़े बड़े एलिफेंट्स आते थे। अगर आप देखें, जो पहले जब अलेक्जेंडर आया था तब भी हमारे एलिफेंट्स ही गए थे बड़े बड़े। तो हिस्ट्री में जो है एलिफेंट्स का काफ़ी यूज़ है, इसलिए सिंबल जो है एलिफेंट बन चुका है। मगर असली बात यह कि एलिफेंट एक रियल एनिमल है, मगर ड्रैगन एक मिथिकल क्रीचर है। तो इसमें पॉइंट यही था कि हर एक के अपने जो है कल्चर्स हैं, उनका भी एंशिएंट कल्चर है, इंडिया का भी एंशिएंट कल्चर है। इसीलिए इंडिया को जो है देखना चाहिए कि कैसे अपने बेस्ट पे जा सके। जब इंडिया सोने की चिड़िया था, तब कोई कंट्री ऐसी नहीं थी जो इंडिया से बेटर थी। दूर दूर से लोग आते थे स्टडी करने के लिए इंडिया में। अब उन्होंने एक तरीका भी इस वीडियो में दिखाया कि अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ड्रैगन फायर फेंक रहा है तो आप पानी फेंक दीजिए, वो इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है और वो मॉडर्नाइज कर रहा है तो आप क्या करेंगे? नेट रिजल्ट मेक इन इंडिया ही था उनका लोगो, कि अगर हर चीज़ आप बना रहे हैं खुद ही, तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है, आपको किसी पे डिपेंडेंस नहीं है और वह आगे बढ़ सकते हैं। कोई कंट्री आप पे दबाव नहीं डाल सकती अगर आपको सब कुछ है इंडिपेंडेंट। मगर इन्वेंशंस की बात है, अगर आप दूसरे इंसान की टेक्नोलॉजी, दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी यूज़ करते रहेंगे तो खुद नहीं ग्रो करेंगे। अल्टीमेटली खुद ऐसी इन्वेंशंस करनी पड़ेंगी जो आगे लेके जाएं। और अभी अगर आप देख रहे हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि देखिए यार, ठीक है, मैं खरीद देता हूँ बाहर की चीज़ें, और लोग तो नहीं खरीद, मतलब और लोग तो यहीं का खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं होता, आप पे डिपेंड करता है। और मेरे ख्याल से हर इंसान को बहुत सीरियसली इस बात को लेनी चाहिए। अगर आप देख रहे हैं आजकल के वातावरण को, आपको बहुत सीरियसली लेनी पड़ेगी कि वही चीज़ जो है लेनी चाहिए जो भारत में बनी है, और आपको जहाँ तक हो सके अपनी इकोनॉमी को हेल्प करनी है। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, हर इंसान को सीरियसली लेना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। और जो पहले एक जो हमने वीडियो किया था, जो लद्दाख से बोल रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि देखिए यहाँ तक आ चुका है। दूसरा मतलब जो तुम्हारे घर के अंदर आ सकता है, तो आप ज़रा सीरियस हो जाइए, ध्यान से करिए, पढ़ाई लिखाई में फोकस करिए। अल्टीमेटली तो यही बात है कि जो आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसी से आप क्रिएट करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कोई पैदा हो गया बैठे बैठे क्रिएट करेगा। आपको कुछ ना कुछ तो एफर्ट लगाना पड़ेगा ज़िंदगी में, वो लिटरेसी है। आप पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद इन्वेंट करिए और अपनी कंट्री को आगे लेके जाइए। और यही क्रिटिकल पॉइंट है मेरे ख्याल से। जो है इसमें कोई दूसरा कोई एंगल नहीं है कि इंसान को खुद ही मेहनत करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये हर चीज़ जो अभी हम देखते हैं, सभी लोग जो है आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं, कुछ भी आप साइंस पढ़ते हैं, मतलब कुछ भी स्ट्रीम पढ़ते हैं साइंस की, तो उसमें आपको यही नज़र आता है कि अभी तक जो है इंग्लिश मीडियम है चीज़ें, वेस्टर्न का बहुत इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न लोगों के, साइंटिस्ट का, उनके फंडामेंटल्स का, न्यूटन का, एल्बर्ट आइंस्टाइन का, हर चीज़ का। इंसान को अब जो है इतनी मेहनत करनी चाहिए कि साइंटिस्ट्स इंडिया के आगे आएँ, उनकी थ्योरम्स हों, उनके फार्मूलाज हों, पूरा वर्ल्ड देखे, और वो तभी आ सकती है हर इंसान अगर मेहनत करे। अगर मेहनत कर रहे हैं आप, रोज़ आप काम पे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अपनी इकोनॉमी को आप अच्छा कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि लोग इग्नोरेंट ना बने, उनको पता हो कि किस चीज़ को खरीदना है, किस चीज़ को नहीं खरीदना। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, और उन्होंने मेरे ख्याल से अभी तक ये वीडियो उनका बेस्ट वीडियो मुझे लगा है। यस फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा मैसेज था। उन्होंने यही कहा है कि आप मेड इन इंडिया यूज करो, जो इंडिया में बनी है चीजें उन्हीं को यूज करो। और जैसे हमने एक वीडियो में पहले बताया था, उन्होंने बोला भी था कि जैसे हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अंदर से, इंडिया से, हम भी एज ए सोल्जर लड़े। और हम कैसे लड़ेंगे? अपना सिर्फ मेड इन इंडिया यूज करके। तो यस फ्रेंड्स, मैसेज बहुत सुंदर है, फॉलो करना अब हम पर है। तो चलो अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।